मेट्रो से कुछ सेकंड के डिस्टेंस पे एक बढ़िया सा 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट आया है फॉर सेल। लोकेशन हमारी सेंट्रल नोएडा हो जाती है और ये हमारी सोसाइटी हो जाती है। सोसाइटी की लोकेशन, अपार्टमेंट का फ्लोर साइज, लेआउट, फेसिंग और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांड सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोसाइटी और उसके लोकेशन से। तो अभी हम एक्वालन मेट्रो में ट्रेवल कर रहे थे और हम उतर गए सेक्टर 76 के मेट्रो स्टेशन पर, क्योंकि यहां से बस कुछ सेकंड के वॉकिंग डिस्टेंस पे हमारी सोसाइटी आ जाती है, अम्रपाली सिलिकॉन सिटी। लोकेशन सेक्टर 76 नोएडा हो जाता है। इट्स अ मैसिव सोसाइटी जो 48 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। सोसाइटी के अंदर 75% एरिया ओपन एरिया हो जाता है, जिसमें आपको लश ग्रीन कवर देखने को मिलता है। इस सोसाइटी में आपको नंबर ऑफ एमिनिटीज मिल जाता है। फटाफट एक बार नजर मार लेते हैं। सामने फुली ऑपरेशनल क्लब हाउस हो जाता है। इस क्लब हाउस के अंदर सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट देखने को मिल जाएगा। अब बच्चे और बड़े दोनों की बात करें तो यहाँ पे किड्स प्ले एरिया मिल जाता है और इसके जस्ट बगल में प्यारा सा मंदिर आ जाता है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज के लिए बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और एक बड़ा सा स्विमिंग पूल मिल जाता है। अच्छा, तो अब सोसाइटी में अपार्टमेंट्स की बात कर लेते हैं। इस सोसाइटी में आपको टोटल 28 टावर देखने को मिलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे लेआउट्स मिल जाते हैं। सामने सोसाइटी का रेडी टू मूव इन फेस है, जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं। और ये हमारा न्यूली कंस्ट्रक्टेड फेस है, ब्रांड न्यू टावर्स, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट, जिसमें काफी सारी फैमिलीज ने पोजीशन ले लिया और इवन शिफ्ट भी हो चुके हैं। इन टावर्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी काफी अच्छी है। हैव अ लुक। तो अब बात करते हैं हम अपने अपार्टमेंट की। तो हमारा अपार्टमेंट भी इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड टावर के अंदर आ जाता है और उधर हमारे अपार्टमेंट का फ्लोर हो जाता है। तो फिलहाल हम लिफ्ट में आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर की बात करें टावर के अंदर 20 हो जाता है और अपना फ्लोर 19th हो जाता है, मतलब सेकंड टॉप। तो हम अपने अपार्टमेंट के 19th फ्लोर पर आ चुके हैं। फटाफट एक बार फ्लोर की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये हमारा पहला लिफ्ट हो जाता है, ये हमारा दूसरा लिफ्ट हो जाता है। उस साइड हमारा थर्ड लिफ्ट आ जाता है, जिसका काम चल रहा है, वो भी जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। टावर के 2 विंग हो जाते हैं, 3 अपार्टमेंट इस साइड आ जाता है और उस साइड हमारा 5 अपार्टमेंट आ जाता है। टॉप फ्लोर पे हमें 8 अपार्टमेंट, 3 लिफ्ट देखने को मिल जाता है। हमारा आज का अपार्टमेंट आ जाता है उस साइड। लेट्स चेक इट आउट। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रांड न्यू अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट हमारा 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट हो जाता है। अपार्टमेंट का लेआउट और इससे आने वाला व्यू और इसका डिमांड एकदम अनबीटेबल है। सो विदाउट डिलेइंग लेट एक्सप्लोर अवर ब्रांड न्यू अपार्टमेंट। तो सबसे पहले अपार्टमेंट की साइज की बात करें, इट्स 1180 स्क्वायर फीट, मतलब 1180 स्क्वायर फीट। और ये हमारे अपार्टमेंट का एक बड़ा सा लिविंग एरिया हो जाता है। इस लिविंग एरिया का डायमेंशन 17x11 का हो जाता है। इस लिविंग एरिया को काफी बढ़िया यूज कर सकते हैं। उधर अपना डाइनिंग एरिया बन जाएगा, इस साइड अपना ड्राइंग एरिया बन जाएगा। इसके साथ में अटैच एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है विद एक्सीलेंट व्यू। एक बार फटाफट अपार्टमेंट की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ये हमारा स्टडी रूम हो जाता है और हमारा फर्स्ट रूम भी कह सकते हैं। उधर हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है, सामने हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है। स्टार्ट करते हैं अपने स्टडी रूम से। और हाँ, ये अपार्टमेंट आपको एज इट इज मिलने वाला है। तो दैट्स अवर स्टडी रूम और फर्स्ट रूम भी कह सकते हैं। इस रूम का डायमेंशन 9x8 का हो जाता है। रूम में वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए एक बड़ा सा विंडो मिल जाता है। आइए एक बार फटाफट देख लेते हैं विंडो से व्यू क्या मिलने वाला है। इट्स अ स्लाइडिंग विंडो, व्यू आपको बिल्डिंग का बैक का ही मिलने वाला है। अपार्टमेंट के हर सेक्शन में वेंटिलेशन और सनलाइट जबरदस्त मिलने वाला है। तो ये हमारे अपार्टमेंट का स्पेशियस स्टडी रूम हो जाता है। और हाँ, हमारे लिविंग एरिया में बढ़िया वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए बालकनी मिल जाती है, जिसे हमने अभी नहीं देखा, एक बार फटाफट देख लेते हैं। सो दैट्स अवर बालकनी नंबर 1 जो हमारे लिविंग एरिया से अटैच हो जाता है। और हाँ, जरा आप नंबर ऑफ बालकनी जरूर रहिएगा। ये बालकनी तो हमारी 5 फीट वाइड स्पेशियस बालकनी हो जाती है। और इस बालकनी से व्यू की बात करें तो वो तो फिलहाल रहने ही दीजिए। अगर व्यू अभी देख लिया तो पूरे वीडियो में आप व्यू ही देखते रह जाएंगे, इसलिए फटाफट पहले अपने अपार्टमेंट को कवर कर लेते हैं। सो दैट्स अवर किचन सेक्शन ऑफ दिस अपार्टमेंट। 7.5x7 का डायमेंशन हो जाता है। पैनल प्लेटफॉर्म पर किचन हो जाता है, एक वाटर प्यूरिफायर, नीचे सारे कैबिनेट्स कंप्लीट मिल रहा है। इस किचन के साथ अटैच एक यूटिलिटी बालकनी भी मिल जाती है। So that's our spacious balcony number 2. Again it's a 5 feet wide utility balcony. यहाँ पे आपको एक प्यारा सा बड़ा सा ओपन स्पेस मिल जाता है। आप इसको एज इट इज रहने दीजिए या फिर आप इसे कवर करके विंडो लगा सकते हैं। टेंशन नॉट, सारी बालकनी के व्यूज को कवर करेंगे। पहले अपने सेकंड और थर्ड बेडरूम को देख लेते हैं। ऑलराइट, इस साइड हमारे अपार्टमेंट का कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो हमारा फर्स्ट वॉशरूम भी हो जाता है। वॉशरूम का डायमेंशन 5x7.5 का हो जाता है। सारा सैनिटरी फिटिंग कंप्लीट मिल रहा है, वेंटिलेशन का प्रोविजन मिल जाता है। सो दैट इज अवर फर्स्ट वॉशरूम ऑफ दिस अपार्टमेंट। वॉशरूम के सामने हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। हमारे सेकंड रूम का डायमेंशन 10x11 का हो जाता है। रूम के अंदर आपको एक बड़ा सा कवर्ड स्पेस मिल जाता है। ऊपर आपको सीलिंग फैन मिल जाती है। वेंटिलेशन और सनलाइट के लिए सामने एक बड़ी सी बालकनी मिल जाती है। अगेन इट्स अ 5 फीट वाइड बालकनी, लेकिन इसका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। एंड दिस इज अवर बालकनी नंबर 3। हेडिंग टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन, हमारा 3rd बेडरूम। ये रूम हमारा मास्टर बेडरूम भी हो जाता है।
इस रूम का डायमेंशन 13x11 का हो जाता है। नीचे वुडन फ्लोरिंग और ऊपर सीलिंग फैन देखने को मिल जाता है। और इस साइड एक मैसिव कबर्ड स्पेस मिल जाता है। और हमारे इस मास्टर बेडरूम के साथ अटैच एक वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम नंबर 2 हो जाता है हमारा, जिसका डायमेंशन 7.5x5 का हो जाता है। रूम के अंदर सैनिटरी फिटिंग सब कंप्लीट मिल रहा है। हमारे रूम के साथ अटैच एक बालकनी मिल जाती है फॉर बेटर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। अगेन 5 feet वाइड बालकनी एंड दैट्स अवर बालकनी नंबर 4। सो दैट इज अवर ब्यूटीफुल 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट। अब फाइनली अपार्टमेंट की फेसिंग और व्यू को देख लेते हैं। बालकनी से व्यू तो जबरदस्त है ही, ऊपर से जो आज का मौसम है वो तो एकदम ही जबरदस्त है। नोएडा में काले बादल छा चुके हैं और बारिश होने वाली है। अभी मौसम खराब है, फिर भी आपको इस बालकनी से क्या क्या दिखने वाला है वो दिखा देते हैं। सामने मेघदूतम का पार्क, थोड़ा सा और जूम करेंगे सेक्टर 18 का वेव 1 दिख जाएगा। और इसे नॉर्थ इंडिया का टॉलेस्ट और इंडिया का 2nd tallest बिल्डिंग सुपरनोवा दिख जाएगा। अब धूल उड़ने लग गया है, आंधी स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको ये एकदम जबरदस्त व्यू मिलने वाला है इस अपार्टमेंट से। ऑलराइट, तो वहाँ पे सेक्टर 50 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है, जो सोसाइटी से हार्डली 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे आ जाता है। तो एक मेट्रो स्टेशन हमारा ये भी हो जाता है। दूसरा मेट्रो स्टेशन तो आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया था, सामने वो मेट्रो उसी डेस्टिनेशन पर जा रही है। और उस स्टेशन पर जाने के लिए सोसाइटी के इस गेट से आप जैसे ही निकलेंगे पहले एक बार सोसाइटी का गेट देख लीजिए। और राइट, तो इस गेट से आप जैसे ही निकलेंगे हार्डली 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे अपना सेक्टर 76 का मेट्रो स्टेशन आ जाता है। और फटाफट सारी बालकनी से व्यू देख लेते हैं। एंड दैट्स अवर बालकनी नंबर 1 एंड दैट्स अवर बालकनी नंबर 2 हमारी यूटिलिटी बालकनी। और ये हमारी 2nd balcony से व्यू हो जाता है। 3rd balcony से व्यू को तो ऑलरेडी देख चुके हैं, बालकनी नंबर 4 से क्या व्यू मिलता है वो देख लेते हैं। ऑल एट अपार्टमेंट का साइज, लेआउट, फ्लोर, फेसिंग सब कुछ देख चुके हैं। अब बात करते हैं इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट के डिमांड की। सो डिमांड फॉर दिस 2 BHK प्लस स्टडी अपार्टमेंट 64 lakhs। अगर इंटरेस्टेड हैं तो DM कर सकते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं लोकेशन पे या नए डील के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।